सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल की जीत की खुशी में आगरमालवा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शाम 7 बजे आगरमालवा के गोपाल मंदिर चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और अरविंद केजरीवाल के कामों से जो जीत मिली उसकी खुशियां मनाई। आसपास के सभी दुकानों और नगरवासियों का मुंह मीठा कराया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल मालवीय ने बताया कि 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आगरमालवा में भी जीत के झंडे गाड़ेगी। इस अवसर पर ईश्वर जी अजमेरिया, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र सोनी, सचिन खरे, संध्या शर्मा, नितिन शर्मा, विकास शर्मा, संजय मालवीय, अजय मालवीय के साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं बाबूलाल मालवीय, जिला अध्यक्ष आगरमालवा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो रानी अग्रवाल जी जो महापौर का प्रत्याशी का जो चुनाव जीती है, वो जीत मध्य प्रदेश की जनता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के जो जनहितैषी काम किए जा रहे हैं उसकी जीत है। और निश्चित ही अरविंद केजरीवाल जी का जो डंका विश्व में बज रहा है, अब वो भारत के कोने कोने में हर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी के काम जैसे जैसे जनता के पास पहुंच जा रहे हैं, वैसे वैसे जनता में जागृति आ रही है। और निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अभी रानी अग्रवाल जी जो बहन रानी अग्रवाल जी की जो जीत हुई है, ये निश्चित ही अरविंद केजरीवाल जी के काम और मध्य प्रदेश के हमारे और मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र के हर कार्यकर्ताओं की जीत है। और निश्चित ही हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों को लेके जाएंगे और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में विधानसभा, नगर पालिका, पार्षद वगैरह के हर चुनाव जीतेंगे। 2023 में आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने क्या रणनीति बना रखी है? आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी संगठनात्मक स्तर तक हर गाँव में पोलिंग तक संगठन बना रही है, जिसका आरम्भ आगरमालवा में पिछले कुछ महीनों से कर दिया गया है। और हर पोलिंग पे हम लोग एक समितियां बना रहे हैं और समितियां बनाने के बाद हम लोग उनके सम्मेलन करके एक बड़े प्रदर्शन करके निश्चित ही चुनाव में जाएंगे। और निश्चित ही हमें पूरा भरोसा है आगरमालवा की जनता पर कि हम लोग कांग्रेस और भाजपा के कुशासन को मिटाकर एक व्यवस्था, एक नई व्यवस्था जो देश में अरविंद केजरीवाल जी के नाम से उदय हो रही है, उसको स्थापित करेंगे।